एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे किचन सोनू चैनल में। और आज मैं यहाँ पर बना रही हूँ काले चने। अगर घर में कोई सब्जी ना हो एकदम से, और बारिश का वैसे ही मौसम चल रहा है और बाज़ार ना जा पाओ, तो घर में जो है रखे हुए जो काले चने होते हैं उससे झटपट जो है काले चने की सब्जी यहाँ पर बनेगी। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर जो है टमाटर लिए हैं, 3 टमाटर लिए हैं मैंने बड़े साइज़ के, और इसको मैं यहाँ पर मिक्सी में जो है काट रही हूँ। साथ में इसके साथ काट रही हूँ 2 हरी मिर्च। और ये देखिए, मैंने जो है यहाँ पर चनों को उबाल दिया था, और ये चने मैंने भिगो दिए थे रात में ही, और यहाँ पर मैंने इनको बॉयल कर दिया है। और इसमें डाल दिए थे मैंने साथ में 3 आलू छील के, तो छील के आलू जो है मैंने इसी के साथ उबाल दिए थे, तो ये आसानी से इसी के साथ ही पक जाते हैं। बहुत ईजी रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। और इधर जो है मैंने रख दिया था पैन, और उसमें मैंने डाल दिया रिफाइंड ऑयल। तो देख रहे हैं मेरा डब्बा भी खाली हो गया है रिफाइंड ऑयल का। और जब ये तेल यहाँ पर गर्म हो गया तो मैंने डाल दिया जीरा, फिर डाल दी ये 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और जब ये हरी मिर्च तिड़क गई तो मैंने यहाँ पर डाल दिया जो टमाटर काटे थे उसका पेस्ट, मैंने मिक्सी से पीस के बना लिया था, तो वही मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको मैं अच्छे से यहाँ पर चला लूँगी 2 से 3 मिनट। तो फ्रेंड्स, ये जो काले चने की सब्ज़ी यहाँ पर बनने वाली है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब लगती है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच धनिया पाउडर यहाँ पर डालूँगी, और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी मैं इसमें। तो आप अपने अनुसार ही, जितने आपको ज़रूरत हो उसी अनुसार ही, आप कितना चटपटा खाते हैं कितना तीखा खाते हैं उसी अनुसार ही मिर्च हल्दी नमक डालिए। और इसको मैंने यहाँ पर 2 से 3 मिनट जो है अच्छे से चला लिया है, और साथ में 1/2 चम्मच डाला है मैंने गरम मसाला, और इसको भी इसमें जो है मिक्स कर दिया है मैंने बढ़िया से यहाँ पर। और जब ये ग्रेवी अच्छे से पक गई, ऑयल इसमें से रिलीज़ होने लग गया, तो मैंने 1 आलू को मैश कर दिया था, और मैश किया हुआ आलू मैंने इसमें डाल दिया इस ग्रेवी में। और फिर मैंने इसको 1 से 1.5 मिनट अच्छे से यहाँ पर चला लिया इस ग्रेवी में, और बाकी आलूओं को जो मैंने 2 आलू बचे थे उसको मैंने जो है पतला पतला थोड़ा छोटा छोटा काट दिया था, और फिर मैंने वो आलू इसमें डाल दिए और अच्छे से ग्रेवी को यहाँ पर इसमें चला लिया। तो देखिए कितनी लाजवाब यहाँ पर जो है ग्रेवी बनी है, कितना बढ़िया इसमें कलर आया है यहाँ पर। और यहाँ पर बाकी मैंने जो है उबले हुए चने जो है कुकर में से निकाल दिए थे 1 प्लेट में, और वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, और अच्छे से इसको जो है इस मसालों में आलूओं के साथ अच्छे से मिक्स कर दूँगी यहाँ पर। और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी ऊपर से जो है नमक, क्योंकि नमक मैंने पहले भी उबालते हुए इसमें जब बॉईल किए थे चने तब भी मैंने इसमें डाला था नमक, और तो मैं जो है थोड़ा ही नमक यहाँ पर अब डालूँगी, और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। तो देखिए कितनी अच्छी ये जो है इसमें कलर आया है, और जबकि मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का भी यूज़ नहीं किया है, सिंपल मिर्च जो होती है वही मैंने इसमें डाली है। और फिर जो कुकर में चने उबाले थे मैंने, जो उसमें जो चने वाला जो पानी रह गया था वो मैंने यहाँ ग्रेवी के लिए डाल दिया है, और थोड़ा सा सादा पानी मैंने ऊपर से डाला है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ही ग्रेवी का पानी, ग्रेवी के लिए जो है पानी लीजिए जितनी आपको ज़रूरत है। और इधर मैंने साइड में रख दिए हैं चावल बनने के लिए, तो ये चावल मैंने जो है 1/2 घंटा पहले भिगो रखे थे। तो देखिए जो है चावल यहाँ पक चुके हैं, और अब मैं इनका जो है मांड उतार दूँगी। तो देखिए मैंने मांड को उतार दिया है, और इन चावल बिल्कुल खिले खिले से यहाँ पर बन चुके हैं। और इसी तरह से मैं जो चावल कुकर में बहुत ही कम बनाती हूँ, मैं हमेशा जो है मांड निकाल कर ही जो है चावल बनाती हूँ। तो इधर चावल बन चुके हैं, और अब मैं इसको देखती हूँ कि हमारे जो चने की रेसिपी यहाँ पर बन रही है वो कैसी बन रही है, पक गई है या नहीं पकी है। इसको पकते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, तो देखिए बिल्कुल इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और मैंने इसमें कड़ी पत्ता ऊपर से तोड़ कर डाल दिया था, मैं पहले डालना जब तड़का लगा रही थी जब डालना भूल गई थी, तो मैंने ऊपर से ही तोड़ के डाल दिया था। तो यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया है, और इधर मैंने दूसरी गैस पर रख दिया था तवा, और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ। तो रोटियाँ तो जरूर ही मेरे घर में जरूर ही बनती है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन मेरे घर में जिस वक्त रोटी ना बनती हो, दोनों ही टाइम तीनों ही टाइम रोटियाँ ज़रूर बनती है। और इसी तरह से मैं सारी रोटियाँ फूली फूली एक एक करके मैं यहाँ पर बना दूँगी। तो आटा मैंने पहले ही यहाँ पर लगा लिया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जो भी मैं रेसिपी यहाँ पर डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
तो इसी तरह मैंने जो है सारी रोटियों को लटते पलटते यहाँ पर सेक दिया है एक एक करके, क्योंकि घर में सब खाना खाने के लिए आने वाले हैं और बाहर बारिश हो रही है काफ़ी तेज। और जब फ्रेंड्स घर में कोई भी सब्ज़ी ना हो और बारिश में, हमारे यहाँ तो मार्केट काफ़ी यहाँ से दूर पड़ जाता है, तो आप इजीली जो है घर में चने तो रखे ही होते हैं, इनको भिगोइए इजीली बना लीजिए। अब तो प्याज भी काफ़ी महंगी चल रही है, तो बिना प्याज के ही मैंने यहाँ पर ये रेसिपी बनाई है और काफ़ी टेस्टी यहाँ पर ये बने हैं चने और चावल के साथ। आप चाहें तो गाढ़ी ग्रेवी के साथ इनको रोटियों के साथ भी बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ चावल भी बनाए हैं। और देखिए कितनी सारी मैंने यहाँ पर रोटियाँ भी सेकी हैं, क्योंकि बच्चे चावल बहुत ही कम खाते हैं, बच्चे जाते हैं चावल तो मुझे ही वो खाने पड़ते हैं सिर्फ 2 से 3 टाइम। तो देखिए अब मैं यहाँ प्लेटिंग कर रही हूँ, तो मैंने ले ली है छोटी सी थाली और उसमें मैं यहाँ पर निकाल दिए हैं चावल और अब मैं निकाल रही हूँ देखिए गर्मा गर्म यहाँ पर चने और आलू जो मैंने मिक्स करके बनाए हैं वो मैंने यहाँ पर निकाल दिए हैं। देखिए गरम गरम भाप भी इसमें से उड़ रही है और साथ में मैं गर्मा गर्म यहाँ पर रोटियाँ रख रही हूँ, तो ये मैं भगवान जी के भोग के लिए निकाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ऊपर से घी डाल दिया है, तो भगवान जी को सबसे पहले मैं भोग लगाऊंगी। तो यही आज मैंने रेसिपी बनाई थी, काले चने और आलू की सब्ज़ी और चावल और रोटी। तो आपको फ्रेंड्स कैसी लगी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।